लगातार हो रहे महिलाओं पर अत्याचार और उत्पीड़नों को कम करने के उद्देश्य और पीड़ितों को सहायता देने की मंशा से इंदौर में एक दिवसीय वन स्टॉप सेंटर द्वारा एक आयोजन रखा गया, जिसमें शहर की विख्यात हस्तियों ने अपने अनुभव साझा किए व वन स्टॉप सेंटर के बारे में कई तरह की जानकारियां प्रदान की। वन स्टॉप सेंटर की प्रमुख डॉक्टर वंदना सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 8 नवंबर 2019 से महिला बाल विकास केंद्र द्वारा इंदौर के मुरई मोहल्ला स्थित वन स्टॉप सेंटर संचालित हो रहा है, जिसके द्वारा एक ही छत के नीचे हिंसा पीड़ित महिलाओं को सरकार द्वारा विधिक सहायता, पुलिस सहायता, चिकित्सा सहायता, परामर्श, आपातकालीन सहायता प्रदान की जा रही है। इसी के तहत शुक्रवार को एक आयोजन किया गया, जिसमें कई पुलिस अधिकारियों सहित विभिन्न विभागों के लोगों ने शिरकत की। इस दौरान महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचारों से बचने और सावधानियां बताई गई। सर, सबसे पहले तो अपन को ये चीज पता होनी चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आज का जो ये जागरूकता कार्यक्रम है, इस जागरूकता कार्यक्रम में हमने स्टूडेंट्स को इसीलिए टारगेट किया है कि स्टूडेंट्स माउथ पब्लिसिटी बहुत अच्छी करेंगे, उनको पता रहेगा तो वो दूसरों को भी जागरूक करेंगे। एक युवा जो है वो अन्य युवाओं को और बुजुर्गों को, बच्चों को, सबको बताएगा। तो वन स्टॉप सेंटर स्कीम जो है ये भारत सरकार की है, जो हिंसा पीड़ित महिलाओं को हर प्रकार की सहायता एक ही जगह पर देने के लिए प्रयासरत है। तो यही आज बताना चाह रहे थे कि महिलाओं के साथ चाहे घरेलू हिंसा हो, चाहे रेप जैसी घटना घटित होती है, एसिड अटैक होता है, छेड़खानी होती है, किसी भी प्रकार की हिंसा होती है, तो उन हिंसा पीड़ित महिलाओं को सरकार विधिक सहायता, पुलिस सहायता, चिकित्सा सहायता, आश्रय सहायता, परामर्श सहायता, आपातकालीन सहायता एक ही छत के अंतर्गत प्रदान कर रही है, जिसके लिए पूरे भारत में वन स्टॉप सेंटर प्रत्येक जिला मुख्यालय में संचालित हैं। और इंदौर में हमारा 18 नवंबर 2016 से मुरई मोहल्ला छावनी में ये आपका वन स्टॉप सेंटर का ऑफिस है, महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित है। आज के प्रोग्राम में हमने यही रखा है कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम, जिसका डॉक्टर पूजा खेत्रपाल मैडम हाईकोर्ट एडवोकेट है, वो बताएंगी। फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 और वन स्टॉप सेंटर स्कीम, और साथ ही साथ आंतरिक परिवार समिति का गठन, ये समस्त बिंदुओं पर आज हम जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं। वन स्टॉप सेंटर की पूरी जानकारी, उसका फ़ोन नंबर और साथ ही साथ उसका जो आपका एड्रेस है वो, और साथ ही साथ पुलिस की भूमिका, वैसे तो हमारे आदरणीय प्रशांत चौबे सर और मनीषा पाठक मैडम आने वाले हैं, तो वो उस पर पुलिस प्रशासन की भूमिका के बारे में बताएंगे।